सो गाइस वेलकम बैक। और गाइस आज एक खतरनाक वाले मॉन्स्टर का अटैक हो चुका है हमारे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड पर। और ये बिल्कुल कोई छोटा मोटा मॉब नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा लार्ज और बड़ा वाला मॉन्स्टर है जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड को खा सकता है। और मेरे फ्रेंड ने गाइस मुझे बुलाया उसके गांव और घर की प्रोटेक्शन करने के लिए, तो अभी हम लोग चलते हैं उसके पास और तगड़े वाले डिफेंस एक्स बनाकर उस वाले मॉन्स्टर को गाइस वहीं के वहीं रोकते हैं। उससे पहले आप लोगों ने लाइक नहीं किए वीडियो को, तो गाइस लाइक करो यार जल्दी से, एंड फटाफट से गाइस सब्सक्राइब बटन दबाओ यार। बस 2000 लोग बाकी है गाइस और हम फिर गाइस 550K क्रॉस कर लेंगे। सो गाइस अभी हम लोग फटाफट से उसके वर्ल्ड के अंदर चलते हैं, लेट्स गो। ओके तो थंडर भाई क्या हो, क्या गया है आज? मैं ना माइनिंग करने गया था और वहाँ पे कोई मॉन्स्टर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और एनिमल्स को भी खा रहा था। अच्छा सच में? हाँ, और मुझे ये डर है कि ये मेरा विलेज ना खा जाए और मेरे जानवर मर जाएंगे यार, प्लीज यार बचा ले यार प्लीज। ओ गाइस इसने अभी कोई सा खतरनाक वाला मॉन्स्टर देखा केव के अंदर जो कि भाई सारे एनिमल्स को खा रहा था धीरे धीरे और बड़ा भी हो रहा था ना वो। हाँ हाँ धीरे धीरे बहुत बड़ा हो रहा जा रहा है। ओ भाई वर्ल्ड ही ना खा जाए। मुझे लगता है गाइस वो विदर स्टॉर्म ही हो सकता है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिएचर है अब तक का माइनक्राफ्ट में। भाई 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 ओके तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं क्योंकि जो विदर स्टॉर्म है ना गाइस वो रात के टाइम पर ही अटैक करता है। भाई रात होने ही वाली है यार, ये देखो फटाफट से भाई चलते हैं। ओके सुन थंडर भाई, तू टेंशन बिल्कुल मत ले, मैं तेरा ये वाला हाउस और सारे जानवर और प्लस विलेज इन सभी को बचाने का ट्राई करेंगे बिल्कुल 100%। मेरे पास एक प्लान है ठीक है, सुन कि अपन ना ये सारे जानवर को पहले एक घर, इस वाले घर के जो गैरेज है ना तेरा, इसमें शिफ्ट कर देते हैं। इस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा ठीक है। तो फिर तेरे इस वाले फेंस का गेट खोल दे और सारे जानवर को हम लोग ना उधर शिफ्ट करते हैं। आ जाओ सारी गायें आ जाओ भाई फटाफट से, बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, लेट्स गो। आ जाओ मेरे पीछे, आओ मेरे पीछे सारे जानवर आ जाओ। तेरे गैरेज में आ तो जाएंगे नहीं है? आ जाएंगे आई थिंक। बढ़िया, तो फिर भाई तेरा गैरेज भी काफी बढ़िया है, जल्दी सारे जानवर आ गए ना? अरे अंदर आओ भाई। अरे कहाँ जा रहे भाई ये? अबे तेरे जानवर तेरी नहीं सुन रहे हैं। ओके तो तेरे सारे जानवर को मैंने यहाँ पर सेफली अभी कर दिया ठीक है। अरे गेट लगाना भाई, क्या कर रहा है? अभी गेट लगा, मैं लगाई जाऊँ तो खोल रहा है। ओके तो देख अभी तेरा जो हाउस है ना, हम लोग इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहले यहाँ पर लेजर्स लगाएंगे। देख इधर, पहले तू ना इस टाइप के कुछ हॉल्स डिक कर ले ऐसे, देन इसके बाद कुछ ऐसे हम लोग नीचे प्लेस करते हैं ये वाले लेजर ब्लॉक्स। तो तू आगे की तरफ फिल कर, मैं पीछे की तरफ करता हूँ ठीक है। भाई जल्दी जल्दी कर यार, मेरा हाउस चला जाएगा। भाई डर मत बिल्कुल, मैं हूं ना, अभी टेंशन मत ले, अभी फटाफट से मैं प्लेस करता हूँ। तेरा हाउस को कुछ भी नहीं होने वाला भाई ठीक है। अभी देख तू इनके सारे ब्लॉक्स के ऊपर कुछ इतनी हाइट पे जा, देख ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे ये लोग ठीक है। सुन हाँ, इसको सारी तरफ चारों तरफ इससे कनेक्ट कर दे। इससे होगा क्या? उस विदर स्टॉर्म को यहाँ पर आने से रोकेगी और साथ ही साथ में उसके जो ज़ॉम्बीज आएंगे ना वो भी यहाँ पर आने से बहुत आसानी से रुक जाएंगे। तो इससे मेरा मतलब घर और जानवर बच गए? हाँ ये समझ, तेरे घर और जानवर को कुछ नहीं होने वाला ठीक है। तो देख थंडर अभी तो देख अपन ने यहाँ पर थोड़े से लेजर लगा दिए, बट इतने से ना काम अभी बिल्कुल भी चलने वाला है। तो सुन हम लोग क्या करते हैं, क्या हम इस पूरी जगह में इतने जगह पर लावा सेट कर देते हैं ठीक है। वैसे वैसे रुक 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 यार, विदर स्टॉर्म तो हवा में उड़ता है, उसको लावा से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ लेकिन फिर भी अपने जानवर बचाने के लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा ठीक है। तो फटाफट से कुछ ऐसे होल डिक करते हैं हम लोग। भाई तू सच सच बता, इससे मेरा घर बच जाएगा ना, मेरे जानवर भी बच जाएंगे ना? अरे भाई बच जाएंगे तो टेंशन क्यों ले रहा है यार, मैं हूं ना। गाइस आप लोग लाइक करके इसको फटाफट से इसका मोटिवेशन बढ़ाओ यार, ये बंदा डर रहा है बार बार इसका घर ना चले जाए। सो गाइस थंडर जिस मॉब के बारे में बात कर रहा है, अगर गाइस वो विदर स्टॉर्म हुआ तो भाई फिर तो भाई पक्का वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पूरा जो हाउस दिख रहा है ना भाई, इससे भी ज्यादा बड़ा है वो भाई। लेट्स गो, मुझे और डर लग रहा है भाई, मैं और फटाफट से काम करता हूँ वरना भाई इसका घर। सुन थंडर भाई जल्दी जल्दी हाथ चला भाई, तेरा घर अगर चला गया तो फिर मेरा नाम मत लियो भाई, ऐसा मत करना है प्लीज, मेरा घर बचा लेना यार प्लीज। हाँ तो फिर फटाफट से भाई मेरी बात भी तो सुन यार, जल्दी जल्दी काम कर, हाथ चला। देख अभी हमने सारे गड्ढा कर दिया है, फटाफट से ना यहाँ पर लावा डाल दे कुछ इस तरीके से चारों तरफ। इससे होगा क्या गाइस की जो विदर स्टॉर्म है ना उसके साथ में टेंटिकल्स निकलते हैं, यानी कि छोटे छोटे उसके अंदर से मॉब्स निकलते हैं, वो इस घर के अंदर एंटर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लावा भी है। बट मैं एक बात बोलूं, अभी इनसे भी कुछ नहीं होगा भाई, हमको है ना और टाइट सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। वो देख यहाँ से आने वाला है, तो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ से देख सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर जाएंगे अपन लोग यहाँ तक ठीक है। फिर इतनी जगह में मैं ना हनी ब्लॉक सेट कर देता हूँ ठीक है कुछ इस तरीके से, क्योंकि वो जैसे इसके ऊपर आएंगे ना तो भाई वो चढ़ ही नहीं पाएंगे। ये देख कितनी स्पीड स्लो गई हमारी। भाई ये कैसे आया एकदम से? ये भाई बताना मेरे को भी कैसे आया, कमांड का यूज किया मैंने, तू समझ नहीं पाएगा यार। कोडिंग करनी पड़ती होगी ना इसके लिए? हाँ कोडिंग करनी पड़ती है, सीख जाएगा धीरे धीरे। देख हम लोग ना बीच बीच में ऐसा कुछ मैग्मा ब्लॉक के ये डब्बे भी स्पॉन कर देते हैं ठीक है। देख तो मैं यहाँ पे फिर से मैग्मा ब्लॉक फिल कर देता हूँ। तो देख हनी ब्लॉक मैंने अभी यहाँ पर सेट कर दिया है, अब तू ये ना हनी ब्लॉक को किधर सेट करेगा? चारों तरफ इसके। ओ एक सेकंड, ये कॉवेब क्या लगा रहा है भाई? और भी स्लो हो जाएंगे मॉब्स, मेरे घर तबाह नहीं होगा। अरे आइडिया तो तेरा काफी बढ़िया है भाई, मैं भी लगा देता हूँ यहाँ पे। रुक 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 मेरे साथ खेल के, लगता है भाई तू भी प्रो हो गया है अब। मैं तो प्रो ही था भाई। अब देख थंडर देख जल्दी आ इधर, यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देख यहाँ पर एक ब्लॉक होता है ये इस तरीके से, यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। अब देख यहाँ पर कोई भी अगर मॉब आएगा ना, तो देख मान ले कि मैंने यहाँ पर एक ज़ॉम्बी स्पॉन किया, ये
अभी देखिए इसमें से ऑटोमेटिक गन्स में से देख गोलियां निकल रही हैं। ओ भाई ये तो काफी मजेदार चीज है। तो इस वाली सेंट्री को तू भी ना सारी जगह पर प्लेस कर दे फटाफट से कुछ इस तरीके से, चारों तरफ लगाइए अच्छे से, ठीक है। मैं अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये हुई ना बात भाई। अब देख इन सारे सेंट्री को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस मोड के रिमोट की मदद से, तू भी ले ले भाई एक रिमोट। अब देख इस रिमोट की मदद से सारे के सारे जो अपने सेंट्री है ना इनको एग्रेसिव मोड पे कर देता हूँ ताकि ये नीचे जाएंगे ही नहीं भाई, ये ऑटोमेटिक काफी ज्यादा पावरफुल हो गया ये तो। सुन थंडर भाई देख इधर, अब मैं देख यहाँ पे दो चार ज़ॉम्बी को स्पॉन करता हूँ। अब देख भाई क्या मस्त है भाई ये। अभी हम लोग ना यहाँ पर से अंदर एंटर करने के लिए एक सीक्रेट बेस बनाने वाले हैं, क्योंकि देख हमको भी तो अंदर जाना पड़ेगा ना कभी बीच में। देख सुन, तो अभी हम लोग यहाँ पर एक आयरन का डोर लगा देते हैं मस्त वाला, ताकि सिर्फ हम लोग इसके अंदर जा पाए। लगाता हूँ और ये देख ऑटोमेटिक गेट खुल गया भाई। क्या मस्त है भाई। और मैं जब भी इसके पास आऊंगा ना ये देख मेरा फेस यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा वो, और ऑटोमेटिक ये वाला गेट को ओपन कर देगा। तू भी देख यहाँ पर अपना फेस लॉक लगा ले ताकि तू भी इस वाले गेट के पार जा सके। भाई जल्दी लगाना यार, अगर तू यहाँ पर आएगा तो ये देख गेट ओपन हो जाएगा और हम लोग इजी पीजी अंदर आ सकते हैं जल्दी। वो अभी देख अपने डिफेंस एक्स तो बना लिया है। अभी सुन अपन चलते हैं घर में के अंदर और एक सीक्रेट बेस बनाते हैं, ठीक है जल्दी। भाई गेट लगा के आना चाहिए ना यार, इतना भी नहीं पता तेरे को बच्चा है क्या। देख इधर हम लोग ना अपने एक सीक्रेट बेस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। देख थंडर भाई तू सोच रहा होगा कि ये रूम हमने क्यों बनाया है ना। देख भाई हम लोग ना यहाँ पर एक अपना आर्मर रखते हैं खतरनाक वाला, ताकि जैसे यहाँ पर वो मॉन्स्टर आएगा ना हम लोग फटाफट से आर्मर से गेटअप हो जाएंगे। ठीक है समझ गया। ठीक है समझ गया। अभी समझ जाएगा भाई, तू पेशेंस रख थोड़ा सा। ये देख अभी ये डिस्पेंसर लगा दिया, अब इनके अंदर ना आर्मर डाल दे नेदरराइट का कड़क वाला। और मैं लगाता हूँ देख यहाँ पर फेंस कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर लगाएंगे एक प्रेशर प्लेट। तू आर्मर रख रहा है तब तक देख मैं यहाँ पर रख देता हूँ खतरनाक वाली असॉल्ट राइफल्स दो दो अपने लिए, ठीक है। इधर देख भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैंने सब कुछ लेके आया हूँ इस बार। और इस तरफ हम लोग लगाने वाले हैं मिसाइल लॉन्चर, ये देख इससे तो उड़ जाएगा भाई। ये तो कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है लिटरली भाई। वो नकली तो नहीं है ना भाई, नकली समझ रहा है क्या हमको। मैं नकली नहीं हूँ भाई, गन कैसे नकली होगी। देख और इस वाली चेस्ट के अंदर मैं रख देता हूँ यहाँ पर मिसाइल, ठीक है दो दो अपने लिए। साथ ही देख हमारे पास थोड़ी सी बुलेट्स भी है। ओके बट भाई ये डिस्पेंसर से क्या होगा। देख डिस्पेंसर से ये होगा कि हम लोग जैसे ही इसके पास जाएंगे ना ये देख सारा का सारा आर्मर इक्विप हो गया एकदम से आर्मर पहन लिया। यही तो है भाई कमाल, ताकि हम लोग फटाफट से रेडी होकर उस मॉन्स्टर की बैंड बजा सके। भाई इतना दिमाग आता है किधर से तेरे में। एनवाई गेमर की वीडियो देखता हूँ मैं। ओ भाई तब तो मेरे को उसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करना चाहिए ना, तूने अभी तक नहीं किया भाई, दोस्त होके सब्सक्राइब नहीं करता है। ये तो अपना प्लान बी था, लेकिन सोच अगर वो विदर स्टॉर्म काफी ज्यादा बड़ा हो गया और हम लोग उसे नहीं झेल पाए तो फिर क्या होगा। भाई ऐसा मत बोले यार, मेरे को मेरे जानवर और मेरे घर से प्यार है मेरे को। वो मैं समझ रहा हूँ, बट हम अगर नहीं हुआ तो भाई फिर क्या। प्लीज यार बचा लेना यार प्लीज। तो देख भाई मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा, बट फिर भी अगर हम लोग नहीं बच पाए तो मेरे पास एक और प्लान है जो कि प्लान नंबर सी। आजा फटाफट से बाहर आ भाई, नाइट होने वाली है, लेट्स गो भाई जल्दी आ जल्दी आ जल्दी कर भाई, वो आने वाला है जल्दी भाई। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, देख जल्दी छत पे आ छत पे भाई, जल्दी कुछ कर वो आने वाला है यार प्लीज। देखिए अपने पास प्लान नंबर सी, लेट्स गो। ये क्या है भाई, ओ भाई ये क्या था, ओ भाई ये है मेरा वाला एरोप्लेन, और ये यहाँ पर मैं तेरे लिए एक और स्पॉन कर देता हूँ। डब्बे में एरोप्लेन कैसे आया। तो फिर सुन थंडर, ये है अपने पास प्लान नंबर सी। अभी देख नाइट भी होने ही वाली है, तो फटाफट से अपन लोग चलते हैं अपने बेस के अंदर। ठीक है चलो चलो चलो। तो भाई संभाल तो लेगा ना सब कुछ, मेरे को बहुत विश्वास है, विश्वास मत तोड़ देना यार मेरा। नहीं तोड़ूंगा भाई नहीं तोड़ूंगा, इतना भरोसा रखता है भाई। जल्दी कुछ कर, वो विदर स्टॉर्म आने वाला होगा। फटाफट से देख आजा अपने पीछे, मेरे पीछे जल्दी जल्दी आ, आर्मर इक्विप कर भाई फटाफट से तू। हाँ और अब देख अब यहाँ से एक असॉल्ट राइफल तू तेरे लिए ले ले, एक मेरे लिए ले लेता हूँ मैं। और देख इस वाली चेस्ट के अंदर कुछ बुलेट्स रखी है मैंने, वो बुलेट्स भी ले ले। और कुछ एक एक स्टैक मिसाइल का तू रख ले, एक मैं रख लेता हूँ भाई। अब ये तोप का क्या करना है। ओ हाँ हाँ वेट 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 भाई, भूल गया मैं तोप भूल गया, एक तोप तू रख ले एक मैं रख लेता हूँ। आजा जल्दी भाई फटाफट से वो आने वाला होगा। ओ भाई जल्दी आजा अपन ऊपर चलते हैं। अब देख अपन छत पे जाकर देखते हैं क्या वो आ चुका है भाई। कहाँ गया, रुक जा वो आते ही होगा यार, मैंने देखते हैं उसका इंतजार करते हैं। वेट सामने एक स्केलेटन जल रहा है थंडर, वो अपने वर्ल्ड में आ गया भाई। और ये देख तोप अभी चलाते तो आती है ना, पहली बार चला रहा हूँ मैं। देख अच्छे से चलाना भाई, मेरे को मत उड़ा देना ठीक है। ओके ओके वो देख भाई, ओ भाई वो आ गया। ओ माय गॉड भाई कितना ज्यादा बड़ा है पूरे भाई। ये क्या है भाई, क्या खतरनाक ऑक्टोपस जैसा ये। वो देख क्या वंडर बन रहा है भाई इसका, भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसको जल्दी गोलियां मार भाई, गोलियां मार भाई। बस जाएगा ना मेरा घर। हाँ बच जाएगा जल्दी, मैं बचा लूंगा भाई। मर ही नहीं रहा ये तो भाई, जल्दी मार उसको गोली मार भाई। आइलैंड का आइलैंड खा जा रहा है ये देख। ओ भाई वो गधा भी ले गया, गधा भी ले गया भाई। अरे तेको भी लेके जा रहे जल्दी। अरे नहीं अभी तो ले जाता मेरे को, अभी मिसाइल चलाते हैं, मिसाइल चलाते। अरे हाँ मैं तो भूल गया अपने पास मिसाइल है। देख सही से निशाना लगाइयो एंड लेट्स गो भाई, मिसाइल चलाइए अभी। ओ भाई भाई इसको कुछ असर नहीं पड़ा, देख उसका मुंह कितना। अरे मेरे को क्यों लेके जा रहा है बार बार। अबे तू जल्दी आ भाई, गोल्डन एप्पल खा भाई प्लीज। नहीं
ओ बच गया जल्दी ऊपर आ जा मेरे पास। हाँ ये मार देगा भाई, इसको तोप मार तू तो कंटिन्यूसली रिलोड करते करते, तो तोप मार भाई। अरे अपने डिफेंस भी लेके जा रहा है ये। ओ भाई मेरे डिफेंस भी लेके जा रहा है ये तो सच में। अरे फिर से लेके जा रहा भाई, रुक जा इसको मैं अरे नीचे आ जाकर वो घर की छत ले गया भाई। अपन सुन इसको मारने के लिए साथ में तोप चलाएंगे ठीक है, मैं 3-2-1 बोलूंगा तब चलाएंगे ओके। अरे वो लेके जा रहा सब कुछ। अरे तू तो जल्दी मेरे को लेके जा रहा है। अरे भाई जल्दी नीचे उतर ठीक है। 3-2-1 अपन साथ में चलाते हैं। 3-2-1 लेट्स गो चला दे। ओ भाई आई थिंक ये मर गया शायद। देख मैंने बोला था ना, देख साथ में तोप चलाने का नतीजा। रुक जाओ मैं बाहर से देखता हूँ उसको, वो गायब हो गया भाई। थैंक यू यार, बचा लिया यार तुमने मेरे को। भाई बचा तो लिया लेकिन देख तेरा घर थोड़ा सा यहाँ पर से डैमेज हो गया यार। वो भाई मैं रिपेयर कर लूंगा, मेरे विलेज और मेरे जानवर बच गए, वही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, मैं ये जो गन और तोप है ना मैं तेरे घर पर ही रख देता हूँ ठीक है, कभी जरूरत पड़े तो यूज कर लेना ठीक है। मैं बाहर देख कर आता हूँ क्या क्या तबाही हुई है। ओके ठीक है, तब तक मैं यहाँ पर अपनी तोप वोप सब कुछ लोड करके यहाँ पर रखता हूँ। एंड यहाँ पर रखते हैं अपनी तोप को भी, यहाँ पर रखते हैं अपनी गन को। ओके गाइस लेट्स गो। ओ भाई ये फिर से आ गया भाई। क्या कौन फिर से आ गया भाई? अरे वो कौन सा मॉन्स्टर है भाई? वेट व्हाट भाई, फिर से कैसे आ गया? अरे अब भी तो उसको मार क्या है? वेट रुक फिर से तोप निकाल भाई अपनी, मैं आ रहा हूँ रुक, सारी गन्स लेके भाई। बहुत बड़ा है अब की बार तो। अभी मार दिया तो उसको कैसे आ गया? उत्तरी भाई ये तो और डबल हो गया भाई, ये तो पूरा विलेज ले जाएगा। फिर से छत पे चलते हैं अपन, लेट्स गो, इसको तोप से मारेंगे ठीक है। चल चल भाई जल्दी चल, दोनों साथ में मारेंगे फिर से मार देंगे इसको अपन लोग, टेंशन मत ले तू। ओ भाई सच्ची में अब की बार तो खत्म हो जाएंगे अपन, जल्दी कुछ कर। वो भाई इतने बड़े बड़े, ओ देखिए फिर से लैंड्स के लैंड उठा के ले जा रहा है भाई, लेट्स गो। अरे भाई तोप में गोली नहीं है मेरी, मेरी भी खत्म हो गई भाई। ओके गाइस देखो अभी फटाफट से निकलना पड़ेगा क्योंकि इसको मारने का कोई रास्ता नहीं है भाई, चल बैठ प्लेन में जल्दी। ओए मैंने प्लेन कैसे उठा लिया भाई अपने सिर पे, उड़ जा भाई निकल जल्दी। ओ भाई बच गए फाइनली भाई, बट मेरा घर गया यार। लेकिन जो भी हम लोग बच चुके हैं, तो फिर फटाफट से गाइस आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और सभी लोग सब्सक्राइब भी कर दो। हाँ देखो गाइस अपना फ्रेंड भी बोल रहा है सब्सक्राइब कर दो, तो फिर जल्दी जल्दी दबाओ यार। एंड वेट अ सेकंड गाइस, अगर आप लोगों ने अभी थंडर के चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाओ यार उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करो भाई, उसके अभी अभी जस्ट 1K हुए हैं। एंड मैं मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।